जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबले का आज जो आखिरी 5वां दिन खेला जा रहा उसी की लाइव अपडेट के बारे में कि आखिरकार अभी तक भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कैसी गेंदबाजी करी और कितने विकेट इंग्लैंड की टीम के गिर चुके हैं, तो पूरी डिटेल जानकारी मैच से जुड़ी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि भारतीय टीम को लगा डबल झटका, 5वें दिन मैदान पर इस वजह से नहीं उतरे रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा, अब 5वें टेस्ट मुकाबले से भी होंगे बाहर। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि मैच में विकेट गिरने के बाद गुस्से में लाल होकर बल्लेबाज ने फेंका अपना हेलमेट, बैट और ग्लव्स लग गया ऐसा तगड़ा जुर्माना कि जानने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत चाहते हो चौथे टेस्ट मुकाबले में तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला लंदन स्थित ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम द्वारा 368 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने बिना किसी विकेट के 77 रन बना लिए थे। जहां पर लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम को सलामी बल्लेबाज हसीब हमीद और रॉरी जोसफ बंस ने शानदार शुरुआत दिलाई थी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि दोनों ने बिना कोई विकेट खोए दिन के खेल का अंत किया, जहां पर इंग्लैंड को अभी भी जीत के लिए 291 रनों की जरूरत है, जहां पर हसीब हमीद 43 तो वहीं रॉरी जोसफ बंस 31 रनों पर नाबाद हैं। तो वहीं दोस्तों चौथे दिन इससे पहले शानदार बल्लेबाजी के बाद आखिरकार भारतीय टीम की दूसरी पारी 466 रनों पर समाप्त हुई थी और इसी के साथ भारत ने 367 रनों की बढ़त बना ली थी। हालांकि दोस्तों इंग्लैंड को जीत के लिए 368 रनों का लक्ष्य मिला, जहां पर भारत के लिए सर्वाधिक रनों की पारी रोहित शर्मा ने खेली। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 127 रनों की पारी खेली थी। हालांकि दोस्तों गौरतलब यह है कि आज जब चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद 5वें दिन मैदान पर इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज रॉरी जोसफ बंस और हसीब हमीद मैदान पर उतरे, तो आज इन दोनों ही बल्लेबाजों को भारतीय टीम के गेंदबाजों ने टिकने ही नहीं दिया। जी हां दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों की वाट भारतीय टीम के गेंदबाजों ने लगाई, जहां पर ये दोनों ही खिलाड़ी आज बहुत ही जल्दी अपने सस्ते में विकेट गंवाते हुए चले। तो वहीं दोस्तों मैच की लाइव अपडेट जानने से पहले आइए हम पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज पूरे दिन का मौसम कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों मौसम विभाग की माने तो आज मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, जहां पर बारिश होने की कोई संभावना जताई नहीं गई है। हालांकि दोस्तों थोड़ा सुबह के वक्त और शाम के वक्त आप सभी को थोड़े काले घने बादल होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दोपहर में कड़ी धूप निकलने के आसार हैं, जिसके चलते भारतीय टीम के गेंदबाजों को तो इससे मदद हासिल नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों को जरूर इससे मदद मिलेगी। और ऐसे में इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि जिस तरह से ये पिच अब हरकत कर रही है उससे तेज गेंदबाजों को कोई भी मदद प्राप्त नहीं हो रही है, जहां पर स्पिनरों को थोड़ी बहुत मदद मिल रही है। ऐसे में अब स्पिनर रविंद्र जडेजा को ही कुछ कारनामा कर दिखाना पड़ेगा 5वें दिन के मुकाबले के दौरान। हालांकि दोस्तों अगर मैच के बारे में बात करें तो आज 5वें दिन हर किसी की निगाहें भारतीय टीम के गेंदबाजों पर होगी कि आखिरकार कितनी जल्दी भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों के विकेट चटकाने में कामयाब हो पाती है। बाकी दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या आज भारतीय टीम के गेंदबाज 10 के 10 विकेट इंग्लैंड की टीम के ले लेंगे या फिर नहीं, या फिर ये मैच ड्रॉ होगा? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, टीम इंडिया को लगा डबल झटका, 5वें दिन मैदान पर नहीं उतरे रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन आखिरी दिन फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतर सके। दरअसल दोस्तों रोहित को बाएं घुटने में थोड़ी तकलीफ है और वहीं पुजारा ने बाएं टखने में दर्द की शिकायत की है, जहां पर बीसीसीआई ने ट्वीट के जरिए रोहित और पुजारा को लेकर अपडेट दी। तो वहीं दोस्तों दोनों ही बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में है, जहां पर चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को स्कैन के लिए ले जाया गया था। तो वहीं दोस्तों रोहित और पुजारा ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 466 रन बना सकी। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा ने विदेशी सरजमी पर अपना पहला शतक जड़ा और 127 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर रोहित शर्मा ने सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के बाद सबसे ज्यादा रन अब तक बनाए हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर चेतेश्वर पुजारा भी दूसरी पारी में 61 रन बनाकर आउट हुए और चेतेश्वर पुजारा भी अब फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय दोनों ही बल्लेबाजों के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड को ओवल में टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए 291 रनों की जरूरत है चौथे दिन का टेस्ट मुकाबला खत्म होने तक थी, जहां पर भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए इंग्लैंड के 10 विकेटों की तलाश थी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि पांचवा दिन इस मुकाबले में केवल 6 था और ऐसे में भारतीय टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती थी, लेकिन इंग्लैंड के सामने कुछ ज्यादा खास बड़ी चुनौती थी नहीं, क्योंकि उनको मुकाबला नहीं जीतना था, वो बस मात्र इस मुकाबले को ड्रॉ करने के लिए खेल रहे थे। हालांकि दोस्तों हम आपको बताएं कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने बिना किसी नुकसान के 77 रन बना लिए थे, जहां पर हसीब हमीद 43 और रॉरी जोसफ बंस 31 रन बनाकर नाबाद थे। तो वहीं दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दी ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो इस मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड को 291 रनों की दरकार थी। मोइन अली और रॉबिनसन को दो दो बड़ी सफलताएं मिली। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 270 पर 3 विकेट से आगे खेलना शुरू किया था। हालांकि उम्मीद थी कि भारत का स्कोर 500 रन के पार जाएगा, लेकिन ऐसा भारतीय टीम के बल्लेबाज कर ना सके। हालांकि दोस्तों भारत ने काफी अच्छा टारगेट इंग्लैंड की टीम को दिया, लेकिन आज जब पांचवें दिन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम उतरेगी और साथ में गेंदबाजों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव होगा कि वो किस तरह से आज इन विकेटों को इंग्लैंड की टीम के चटकाए। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि इसी बीच रविंद्र जडेजा के पास भी एक काफी बड़ा इतिहास रचने का मौका लेने का कारनामा कर लेते हैं। तो रविंद्र जडेजा इस मुकाबले के साथ ही इंग्लैंड टीम के खतरनाक गेंदबाज स्टीव हैरमिसन और एंड्रयू फिलिपटॉप और इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के खतरनाक गेंदबाज रे लिंडवॉल को पीछे करते हुए इस मुकाबले में ये बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों एंड्रयू फिलिपटॉप जैसे खिलाड़ी को पीछे करना अपने ही आप में काफी बड़ी चुनौती रविंद्र जडेजा के लिए रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है अजिंक्य रहाणे का भारतीय टीम में से होगा पत्ता साफ, बीसीसीआई ने जारी किया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने अभी तक कुछ भी ज्यादा खास प्रदर्शन कर नहीं दिखाया, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की, तो भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे का ये टेस्ट मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, इस पूरी सीरीज में रहाणे का खराब फॉर्म जारी रहा है और आलम यह है कि मौजूदा टेस्ट सीरीज की दूसरी पारी में तो वो 8 गेंदों में खाता तक भी नहीं खोल पाया। तो वहीं दोस्तों रहाणे के खराब प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनका टेस्ट करियर लगभग खत्म मान रहे थे, उनको टीम से बाहर करने का फैसला लिया जा सकता है टीम प्रबंधन द्वारा। तो इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है कि अजिंक्य रहाणे को टीम से बाहर करना चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।